दोस्तों नमस्कार, मैं विशाल जैन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं आपको शायद कुछ और बताने वाला हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आसन। बीमारी, बहुत सारी बीमारियाँ हम लोगों को होती है और हम उनको दवाइयों के माध्यम से ठीक करते हैं। और दवाई के साथ में अगर हम आसन भी ट्राई करें तो हमारी बीमारियां और अच्छे तरीके से ठीक हो सकती हैं, और अगर हमें बीमारियां नहीं है तो वो आएंगी नहीं। तो मैं आज बात करने वाला हूं एक आसन की, जिसको बोलते हैं मंडूकासन। और इस मंडूकासन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आसन आप जरूर प्रैक्टिस करिए। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढता हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा सीखता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, आप लोग स्वस्थ रहें। लेकिन इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मतलब कि इनको किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो लोग इस आसन को ना करें। उसके अलावा एब्डोमिनल कोई इंजरी हुई है तो वो लोग, पेट में कोई इंजरी हुई है तो अभी उसके लिए वो आसन ना करें। उसके बाद में जिनको हाई नी पेन है, घुटनों में दर्द रहता है, ज़्यादा दर्द है, तो वो लोग ना करें। कम दर्द है तो सहजता से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा जिनको हिप पेन है, ये हिप पेन है तो वो लोग भी ना करें, क्योंकि इन सारी, ये सारी जगह इन्वॉल्व होती हैं तो उन्हें इंजरी हो सकती है या उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ये आसन यूट्यूब पे आपको वैसे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो बेस्ट तरीके से, जिसमें आप अच्छे से सीख पाएंगे एक एक स्टेप को, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर उस तरीके से नहीं दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको पद्मासन अवस्था में बैठना है। यहाँ पर आपका एल जैसी शेप बनेगी, ये आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, और आपके ये रीढ़ की हड्डी सीधी और आपके पैर इस तरीके से होना चाहिए। आपके हाथ दोनों यहाँ घुटनों पर होने चाहिए। उसके बाद में हम इस अवस्था से वज्रासन की अवस्था में जाएंगे। इस तरीके से ये पैरों को हमने इस तरीके से रखा है, पैरों के ऊपर हिप को रखा है, रीढ़ की हड्डी सीधी। और उसके बाद में हमें मुट्ठी बनानी है। ये इस तरीके से मुट्ठियों को बनाया है, मुट्ठियों को इस तरीके से बनाना है आपको। और बनाने के बाद में आपको यहाँ नाभि के दोनों तरफ, एक साइड नाभि आपकी बीच में है, नाभि के एक साइड इधर और एक साइड इधर, दोनों साइड में आपने इसको रखा है, हाथ को इस तरीके से आपको हाथ को रखना है। इस तरीके से हाथ यहाँ रखे हुए हैं और सांस लेते हुए सांस लेना है आपको, और इस तरीके से गर्दन को पीछे करना है और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है, झुकना है। पेट पर प्रेशर रहेगा आपका, जांघों पर प्रेशर रहेगा, और इस तरीके से आपको फिर अपने गर्दन को आगे की तरफ देखना है। यहाँ आप चाहें तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आपने किया था, अब यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो 4-5 गिनती तक या 4-5 सांसों तक आप इसे होल्ड करिए। फिर सांस लेते हुए आप ऊपर आएंगे, आप ऊपर आएंगे, सांस लेते हुए आप ऊपर आएंगे, सांस लेते हुए आप ऊपर आएंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, वज्रासन की स्थिति में। यहां से आप फिर पद्मासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। ये था हमारा मंडूकासन। डायबल ऐप के साथ में, डायवलाइफ आप यूज़ कर रहे हैं, लेवगेन आप यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंट वेलनेस के प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ में अगर आप इस तरीके से आप इसको भी करेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। मंडूकासन जो आपको डायबिटीज में बहुत बड़ा बेनिफिट देगा,
आपकी पेट की परेशानी में बेनिफिट देगा, आपकी पेनक्रियाज को फंक्शन को एक्टिवेट करेगा, आपके पेट के जो चर्बी बढ़ जाती है इधर उसको चर्बी को भी कम करने का काम करेगा, आपके टोन्ड अप करेगा पूरी बॉडी को, स्ट्रेच करेगा बैक को। और आपको ध्यान क्या रखना है ये मैंने आपको बता ही दिया जी। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आप लोग इसको आसन को ना करें, अगर आपके नी पेन है तो आप इसको ना करें, अगर आपके हिप पेन है तो आप इसको ना करें, और अगर आपके कोई स्टमक इंजरी हुई है तो आप इस आसन को ना करें। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप इस आसन को सहजता के साथ करिए, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करिए। पहले एक बार करने के बाद में 4-5 काउंट तक आपने किया, उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स करिए नॉर्मल पोजिशन में, वज्रासन में सांसों आंखें बंद करके आप सांसों के नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप एक बार दो बार इसको कम से कम 3 बार आप इसको कर सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।